मैं चांद को बुलाना चाहूंगी, वो अपना एक्सपीरियंस बताए, क्या सब्जेक्ट था वहाँ का, वो सारा चीज बताइएगा थोड़ा। सभी को महत्वपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। माय नेम इज माइमी चान, करेंटली आई एम स्टडीइंग इन क्लास 11th एंड मैं वहाँ का थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। जहाँ शिविर था वो एक्चुअली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बिटवीन है, तो वहाँ जंगली सुअर एंड बंदर वंदर सब देखने को मिलता है। तो ऐसा फील होता है कि नेचर के बीच में मेडिटेशन करना, और जो धर्माचार्य ने लीड किया था हमारा शिविर, धर्माचारी मैत्रेयी नागार्जुन सर, वो बहुत अच्छे धर्माचारी हैं, उनने बहुत अच्छे से हम सबको गाइडेंस दी थी। एंड हमारा शिविर का टॉपिक था एजुकेट एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज, तो मैंने एक्चुअली थोड़ा सा लिख के लाया, मैं वो टॉपिक के बारे में बोलना चाहूँगी। इंडिया में मोस्टली एजुकेशन का मतलब क्वालिफिकेशन होता है, पर एजुकेशन का पर्पज क्या होता है? टू स्ट्रेंथन अवरसेल्फ, टू मेक अस स्ट्रॉन्गर। आज की जो एजुकेशन होती है, कोई इंसान बीटेक बीकॉम बीए एमबीए कर लेता है और मार्केट में आके क्या करता है, नर्वस फील करता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता होता कि उसको क्या करना है, उसको जाना कहाँ है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्वालिफिकेशन तो बहुत बड़ी 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 होती है, डिग्री तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन छोटी क्या होती है? उनकी सोच, उनकी सोचने की कैपेसिटी। तो एक सोचने की कैपेसिटी को क्या पढ़ाती है? क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी कहाँ से आती है? वो आती है एजुकेशन से, वो आती है अवेयरनेस से। और वो एजुकेशन अब कौन सी होती है? वो एजुकेशन होती है जो एक इंसान को सवाल करने खड़ा करने की हिम्मत देती है, पूछने की ताकत देती है। और सवाल पूछेंगे किससे हम? जो पावर में है। और यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूंगी मैं अंधविश्वास का। आपको पता होगा कि कौवे को खाना खिलाने से किसी इंसान का पेट या फिर किसी मरे हुए इंसान के पेट में जाता है, पॉसिबल है के लिए? नहीं है, लेकिन फिर भी लोग खिलाते हैं, और बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर लोग खिलाते हैं, क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन की कमी है? नहीं, उनके पास कमी है एजुकेशन की। ऑफिसर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उनकी सोच छोटी है, उनकी समझने की कैपेसिटी छोटी होती है। और बाबा साहेब ने और हमारे जितने भी महामानव है, उनने क्या किया है? हमें एजुकेट किया है। क्योंकि महामानव, कोई भी महामानव उठा लो, बाबा साहेब, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, हमें एजुकेट किया है। क्योंकि महामानव, कोई भी महामानव उठा लो, बाबा साहेब, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, कबीरदास जी, उन्होंने क्या किया है? हमारी सोचने की कैपेसिटी को बढ़ाया है, हमारी सोचने को एक डायरेक्शन दिया है, जो डायरेक्शन में हमारी सोच जाती है, जो हम डायरेक्शन में सोचने लगते हैं, उससे क्या बेनिफिट होता है? हम लोग एजुकेट होते हैं। और मैं इसी का एग्जांपल लेना चाहती हूँ। आपने देखा होगा कि डॉक्टर काला या लाल धागा अपने हाथ या पैर में बांधता है, ये क्लियरली शो करता है कि वो धागे में ज्यादा बिलीव करता है इंस्टेड ऑफ देमसेल्फ, क्योंकि एक डॉक्टर बनने में बहुत पढ़ाई, बहुत मेहनत लगती है, उनकी खुद की मेहनत लगती है, लेकिन वो देख के ऐसा लगता है कि वो सारा क्रेडिट वो एक भगवान को दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ देमसेल्फ। और एक और एग्जांपल है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि वहाँ पिरामिड सिस्टम था, जो टॉप ऑफ द पिरामिड के लोग हैं वो पूरा खाते थे, और जो लोअर पिरामिड के लोग हैं जिनमें पीजेंट्स आते थे, उनको एक ब्रेड भी नहीं मिलता था, उनको प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता था, जिससे क्या हुआ, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ। और रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था? एक इंसान की राइट्स के लिए। लेकिन इंसानों को अपनी राइट्स कैसे पता चलती है? जब वो इंसान एजुकेट होता है, और जब इंसान एजुकेट होता है तो फिर वो क्या करता है? एजुकेशन करता है। व्हाट इज एजुकेशन? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वो एजुकेशन था। इतने सारे लोग ने एजुकेशन किया है, लेकिन हमको बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी होती है कि सारी दुनिया में जितने भी एजुकेशन हुए हैं सब में खून बहा है, लेकिन पहली बार इंडिया में एक ऐसे बाबा साहेब ने ऐसा एजुकेशन किया है, ऐसा संघर्ष किया है जिसमें एक ड्रॉप भी खून का किसी का नहीं बहा है, एक भी जान किसी की नहीं गई है। तो हिस्ट्री हमारे पास प्रूफ है कि ऐसी भी एजुकेशन किया जा सकता है जिसमें कोई मरता नहीं है। और जब हम एजुकेट करते हैं, एजुकेशन शुरू होता है, तो लोग हमारे
करने के लिए यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, आप लोग क्या है, आप सब लोग ऑर्गेनाइज्ड है, और बाहर के जो सारे लोग है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या हुआ, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई एक जगह पे नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा शांति कहाँ पे है, भागने में है या फिर यहाँ में हर संडे आके वंदना करने में, ध्यान करने में, हम जैसे लोगों की बात सुनने में। सो दैट्स इट, थैंक यू जयदीप।